हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एएफसी कप 2022 में जो एटीके मोहन बगान वर्सेस कुआलालंपुर सिटी का मैच हुआ, एटीके मोहन बगान बहुत अच्छा खेली। कुआलालंपुर एफसी ने 60 मिनट पे पहला गोल मारा, फिर उसके बाद एटीके मोहन बगान के प्लेयर ने इक्वलाइजिंग स्कोर करके 19 मिनट्स पे स्कोर 1-1 कर दिया। बट पता नहीं वो बाकी के 5 मिनट के एडेड टाइम में क्या हुआ, एटीके मोहन बगान की टीम ने ऐसा क्या किया कि और दो गोल उस 5 मिनट में खा लिए। सो देखते फिर क्या गलतियां हुई है एटीके मोहन बगान से। ये जो मैच हुआ फर्स्ट हाफ, एटीके मोहन बगान बहुत अच्छा खेल रही थी। फर्स्ट हाफ देख के ही लग रहा था कि एटीके मोहन बगान ये आज का मैच जीतेगा, बिकॉज कि मैच के स्टार्टिंग में ही कुआलालंपुर सिटी एकदम डिफेंसिव खेल रही थी और उन्होंने कुछ मैन मार्किंग कर रखा था। बट मैच में हुआ ऐसे कि एटीके मोहन बगान ने फिनिश ही नहीं किया, बिकॉज कि कोई अच्छा स्ट्राइकर ही नहीं है। आशिक कुरनैन एंड लिस्टन, ये दोनों प्लेयर विंग्स में बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा बॉल कैरी कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे सप्लाइज भी किए। बट मनवीर सिंह बिल्कुल फिनिश नहीं कर पाए, और इस जगह पे कोई अच्छा दूसरा स्ट्राइकर होता तो वो फिनिश करता, बिकॉज लिस्टन एंड आशिक कुरनैन ने बहुत अच्छे बॉल कैरी करके बहुत अच्छे सप्लाइज किए थे। और एटीके मोहन बगान ने जो न्यू प्लेयर लिया हुआ है पोग्बा, जो डिफेंडर है वो डिफेंस कर रहे थे, पोग्बा बिल्कुल ही वो मैच में मतलब अच्छा नहीं लगा, ना उनका डिफेंडिंग इतना क्लासी लगा मुझे, ना वो मिस पास भी कर रहे थे बीच बीच में, ना इतना अच्छा डिफेंसिव, ना इतना अच्छा स्पीड है, तो ये भी इतना कुछ इफेक्टिव नहीं लगा प्लेयर। और टीम ने भी गोल ऐसे खाया कि चलो फर्स्ट गोल हम समझ सकते कि फर्स्ट गोल उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट उसके बाद बट 90 मिनट्स में फरदीन मौला ने इतना अच्छा इक्वलाइजिंग स्कोर किया, और बस उसके 5 मिनट आपको डिफेंडिंग अच्छे से करनी थी, बट उस 5 मिनट में आपने क्या किया कि अगेन दो गोल खा लिए। एटीके मोहन बगान ने बिल्कुल ही मैन मार्क नहीं किया था। जो सेकेंड गोल खाया है वो फ्री हेडर मिला था उन्हें, उन्होंने आराम से वो हेडिंग से स्कोर किया और दूसरा गोल खा लिया। और लास्ट का गोल बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया कि वहाँ पे बॉल क्लियर करनी थी और सुभाषिश बोस क्या कर रहे थे वहाँ पे, वो तो बिल्कुल समझ नहीं आया। सिंपल सा बॉल को क्लियर करना था बस, बट वो भी थर्ड गोल एटीके मोहन बगान ने खा लिया। ये 5 मिनट में दो गोल खा लिए, जबकि बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये, बिकॉज कि फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा खेल के एटीके मोहन बगान 3-1 से हार गए। मैं मैच स्टार्ट होने से पहले ही वीडियो अपलोड किया था कि एटीके मोहन बगान के प्लेयर्स ने मैन मार्किंग करना चाहिए, बट बिल्कुल मैन मार्किंग किया नहीं। मैंने जो वीडियोज़ में की प्लेयर्स बताए थे कुआलालंपुर सिटी के लिए, उन्हीं प्लेयर्स ने गोल्स किए। मैं जो ब्राज़ीलियन कंट्री का जो प्लेयर बोला था जोसे, उसने स्कोर किया, फिर मोरालेस उसने भी गोल किया, ये दोनों उस टीम के की प्लेयर्स हैं मैंने बताया था, और इन्हीं दोनों प्लेयर्स ने स्कोर किए। इन पे बस मैन मार्किंग करते, इन पे बस मैन मार्किंग करते ना तो बिल्कुल ये स्कोर नहीं कर पाते। ISL के सीज़न के लिए इन्होंने एक अच्छा स्ट्राइकर लेना चाहिए था, जबकि अब इनके टीम में अच्छा स्ट्राइकर नहीं है। और जो पोग्बा प्लेयर इन्होंने लिया डिफेंस, टाइम ISL में खेलेगा, इतनी बातें होगी, इतनी चर्चा हुई, बट ये प्लेयर आज के मैच में दिखा बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं खेल रहा था ये प्लेयर। पासेस अच्छे थे वो, उसने बहुत सारे मिस पासेस भी किए, ना इतना स्पीड, एकदम आराम से खेल रहे थे वो, इतना कुछ क्लासी नहीं लगा वो प्लेयर मुझे। इससे अच्छा कि आप कोई यंग प्लेयर, यंग डिफेंडर आप साइन कर लेते तो वो इनसे बहुत अच्छा खेल लेते। तो आपने भी ये मैच देखा होगा और आपको भी पता है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की है और एटीके मोहन बगान क्यों हारी है। सो आज एटीके मोहन बगान मैच जीतता, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच हार गई है, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।